आज का ये वीडियो है कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद से आप कंप्रेसर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे कि कंप्रेसर आखिर काम कैसे करता है, चाहे वो आपका फ्रिज का कंप्रेसर हो या आपका एसी का कंप्रेसर हो, आखिर वो काम कैसे करता है इस वीडियो में हम समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें उपकरण लगे हुए हैं। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को कनेक्ट करता है, और यह कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है क्रैंकशाफ्ट, ये जो घुमा हुआ है एक सीधा रॉड होता है, इस रॉड जो होता है रॉड को बोलते हैं क्रैंक्स केस, और ऐसे ये मुड़ा हुआ है तो इस मुड़ा हुआ जो है इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकेस से क्रैंकशाफ्ट जुड़ा हुआ है, और इसी क्रैंकशाफ्ट से आपका ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है जो आपके पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। इस जो पिस्टन जो है जिसमें ऊपर नीचे गति करता है इसको बोलते हैं सिलेंडर बोर, और दो ठो इसमें हाउजिंग बने हुए हैं, एक हाउजिंग है उसको बोलते हैं सक्शन हाउजिंग, एक है डिस्चार्ज हाउजिंग। सक्शन हाउजिंग से एक पाइप निकला हुआ है जिसको बोलते हैं सक्शन लाइन, और इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। ये एक वाल्व लगा हुआ है, ये आउटलेट वाल्व है यानी डिस्चार्ज वाल्व रीड है, लिखा भी हुआ डिस्चार्ज लाइन का ये वाल्व रीड है, और ये आपका ये जो वाल्व वाल्व रीड ये सक्शन लाइन का है, सक्शन लाइन की तरफ है तो सक्शन लाइन का वाल्व रीड है, और डिस्चार्ज लाइन की तरफ है तो डिस्चार्ज लाइन का वाल्व रीड है। ये काम कैसे करता है हमको ये जानना है। टोटल उपकरण ये लगे हैं आपके पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रैंकेस क्रैंकशाफ्ट पुल्ली लगा हुआ है कनेक्टिंग रॉड है। अब काम कैसे करता है ये, जब इस पुल्ली को हम जनरेटर की मदद से या कंप्रेसर मोटर की मदद से, क्योंकि ये सब तो फिक्स रहता है, इसके ऊपर ये बना होता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का अंदर का सीन है, ठीक है, इससे हम जोड़ देते हैं कंप्रेसर के मोटर को। कंप्रेसर मोटर जब स्टार्ट होता है तो इस पुल्ली को घुमाता है, जैसे ही ये पुल्ली घूमती है तो क्रैंकेस घूमता है तो क्रैंकशाफ्ट भी घूमता है इसे इसे। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो यह जो पिस्टन है जो ये जो सॉरी ये जो कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन से जुड़ा हुआ है तो यह पिस्टन को ऊपर नीचे गति करता है। जैसे ही ये पिस्टन नीचे खींचता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये पिस्टन नीचे आता है, ये जब नीचे आता है तो ये देखिए ये वाल्व तो ऊपर की तरफ से ऊपर से आके इसको तो इसको तो बंद कर देगा, इधर भी वैक्यूम उत्पन्न होगा इधर भी होगा, तो ऊपर से तो ये तो बंद कर देगा इस वाल्व को, और यह वाल्व जो है ये नीचे खींचाएगा। इस वाल्व का तो रुकावट है, ये दो ठो यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, ये रोक देगा इस वाल्व को, तो उससे नीचे नहीं आ सकता, लेकिन ये जो वाल्व है ये तो नीचे आ जाएगा। जैसे ही वाल्व नीचे आएगा तो इस साइड से रेफ्रिजरेंट हो एयर हो ये क्या होगा सिलेंडर बोर के अंदर भर जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं जो नीडल होता है इंजेक्शन उसमें हम खींचते हैं इसे, तो उस अगर उसके मुंह पे ऐसे उंगली रख के उसके बाद से हम खींचेंगे तो खींचा पाएगा नहीं खींचा पाएगा, जैसे छोड़ेंगे उसके अंदर भर जाएगा। तो देखिए ये सक्शन लाइन से आएगा और इस सिलेंडर बोर में आपका रेफ्रिजरेंट या एयर भर जाएगा, फुल हो जाएगा। अब यह एक बार नीचे की तरफ जाएगा तो पूरा इधर से खींच लिया, अब जब यह ऊपर की तरफ जाएगा एक बार घूम करके जब ऊपर की तरफ जाएगा कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को ऊपर जैसे ही दबाएगा, पहले तो इसमें एक सिलेंडर एयर या रेफ्रिजरेंट भर गया था, अब उस पर जब प्रेशर दबाएगा तो इतना ज़्यादा एयर था वो एकदम छोटा सा एरिया में जैसे ही जमा होगा तो यह वाल्व तो इधर से एयर के प्रेशर से इस वाल्व को इधर से बंद हो जाएगा, लेकिन जो यह वाल्व है इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो एक झटका से इधर से आपका डिस्चार्ज हो जाएगा एयर, और फिर यह एक बार नीचे आता है और फिर इस लाइन की तरफ से सक्शन लाइन से सक कर लेता है इसमें, और एक बार घूम करके जैसे उसको प्रेस करता है तो जब इस वाल्व पर प्रेशर पड़ता है तो यह ऊपर उठ जाता है और इधर से डिस्चार्ज करता है, और जब सक करता है तब यह वाल्व नीचे गिर जाता है और ये वाल्व और नीचे आ जाता है, इधर इस लाइन से सक करता है और इस लाइन से डिस्चार्ज करता है। दोस्तों इसका बहुत प्रोसेस जो होता है बहुत सिंपल होता है, ये आपका पुल्ली जैसे ही घूमेगा ये क्रैंकेस है, क्रैंकेस में जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो कनेक्टिंग रॉड द्वारा जो पिस्टन है सिलेंडर बोर के अंदर ऊपर नीचे गति करता है, जिससे एक लाइन से सक किया जाता है और दूसरे लाइन से डिस्चार्ज हो जाता है। यही कंप्रेसर का सिस्टम होता है, और कंप्रेसर के अंदर यही सब पार्ट्स लगे होते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस आपको समझ में आ गया होगा।